प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, पंचायत चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे। वहीं अगस्त महीने के इसी सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम ने कहा कि कोर्ट का प्रोसीजर चलता रहेगा, चुनाव टालने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए हरियाणा सरकार के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। कोर्ट में मामले में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई, तो वहीं 11 अगस्त को भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में 3 सदस्यीय बेंच और से की गई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दायर नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है और इसी के चलते चुनावों को टालने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सितंबर महीने में ही होंगे और अगस्त के इसी सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। किसी तरह की अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। पंचायत चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में होंगे पंचायत चुनाव, अफवाहों पर ना दें ध्यान। इसी हफ्ते में होगी तारीखों की घोषणा। चुनाव के लिए सरकार की तैयारियां पूरी। कोर्ट का लंबा प्रोसीजर है, चलता रहेगा। चुनाव टालने की कोई उम्मीद नहीं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सत्यप्रकाश शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सत्यप्रकाश शास्त्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को टालने की कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। देखिए, सत्यव्रत शास्त्री बोल रहा हूँ, जी सर, सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सितंबर महीने में ही पंचायत चुनाव किए जाएंगे। निश्चित रूप से इसकी तैयारियां बहुत पहले से चली हुई है और सरकार ने पहले से ही 30 सितंबर का अंतिम तारीख दे रखी है कि 30 सितंबर से पहले पहले हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन कांग्रेस जो हमारा प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी है, वो ये इनके इन प्रकार जनता के सामना न करने की योजना के कारण से या उसकी अक्षमता के कारण से इस प्रकार की अफवाहें, और अफवाहें नहीं, वो स्वयं इस काम में डटे हुए हैं कि कैसे न कैसे हरियाणा के चुनाव रद्द हों या आगे बढ़े। ये प्रयास कांग्रेस के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, नेता पुत्रों के द्वारा, या कांग्रेस का जो लीगल सेल है वो इस प्रकार की कार्रवाई करता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से कोर्ट ने इसके ऊपर कोई स्टे नहीं दिया और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम 30 सितंबर से पहले पहले पंचायत चुनाव करा देंगे। जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरीके से जो है सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, जो चुनाव हो रहे हैं वो सितंबर महीने में होंगे और साथ ही साथ इसी हफ्ते जो है चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, तो फिर इस तरह की अफवाहें क्यों आखिर फैलाई जा रही हैं कि जो है चुनाव टाले जा सकते हैं? ये बात तो आप अफवाह फैलाने वालों से पूछिए। हमने तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस दिन पंचायत चुनाव की घोषणा की थी उसी दिन स्वागत किया था। केवल हमने इतना कहा था कि अच्छा होता मनोहर लाल खट्टर जी इसके अंदर जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन करवाकर चुनाव करवाते, हमारी इतनी ही मांग थी। अब शास्त्री जी ने हम पर आरोप लगा दिया कि हम चुनाव का सामना नहीं कर पाते। अब शास्त्री जी, हम तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, पहली बात, और दूसरी बात, गांवों में तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं,
जब आपकी पार्टी, आपका मुख्यमंत्री, आपके मंत्री गांव में घुस नहीं पाते, गांव के लोग उनको अपने गांव में घुसने नहीं देते, मुख्यमंत्री को कितनी बार गांव से अपने कार्यक्रम किसान आंदोलन के दौरान रद्द करने पड़े हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा लिए चुनाव से हम डरे हुए हैं या आप डरे हुए हैं। तो इनका ये आरोप ही गलत है। और जहां तक कोर्ट में जाने की बात है, अब कोई कांग्रेस कार्यकर्ता का पुत्र या कांग्रेस नेता का पुत्र किसी इशूज को लेकर, अपने एरिया की सूझ को लेकर कोर्ट में चला गया, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? कोई भाजपा का नेता भी कोर्ट में जा सकता, कार्यकर्ता जा सकता है, आम जन भी कोर्ट में जा सकता है, पर कांग्रेस तो कहीं ऑफिशियली नहीं गई। और कांग्रेस ना इस बात को ये कह रही कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कांग्रेस का लीगल सेल कहीं इसमें इन्वॉल्व है। आपको इंडिविजुअल वकील जिसका कांग्रेस से संबंध भी है, जो कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, नेता है, अगर वो कोर्ट में चला गया तो उसको कांग्रेस से जोड़ना तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ऐसी तो बहुत सी याचिकाएं सरकारों के खिलाफ होती हैं जिसमें भाजपा के लोग भी जाते हैं। एक भाजपा का कार्यकर्ता है दिल्ली के अंदर, जो इनका पदाधिकारी भी रह चुका है, वो पता नहीं कितनी पीआईएल करता है, और उनकी उसकी सारी पीआईएल कांग्रेस विपक्ष के खिलाफ होती है। अगर कल हम ये कहने लग जाए कि ये भाजपा करवा रही है तो उसका भी कोई उचित नहीं है। तो इस तरह के बचकाना आरोप लगाना गलत है। आप चुनाव करवाइए, कोई हम कोई सिंबल पर तो चुनाव लड़ नहीं रहे। जब हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े तो हमें डर किस बात का है? गांव आपका जनाधार नहीं है, दो उपचुनाव हुए गांव ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा के, आपकी सत्ता में आने के बाद भाजपा दोनों जगह आप हारे हैं, और तीसरा उपचुनाव अभी आदमपुर में होगा, वहां भी आप हारेंगे। आपका शहरों में प्रभाव जरूर है, इसलिए नगर पालिका और नगर निगमों में आपको अच्छी वोट मिल जाती है। गांव में तो आपकी हालत खस्ता है, जो दो विधानसभा उपचुनाव साबित कर चुके हैं, और फिर भी सत्ता का अहंकार ये कहना कि भाई हम डर रहे हैं। अरे भैया, आपने जबरदस्ती सरकार बनाई है, 40 आपके विधायक बने हैं, 75-80 की आप बात कर रहे थे। अगर 75-80 आपके सीटें आती, ग्रामीण लोग साथ होते, जब आपकी 40 सीट आई है, कांग्रेस की 31 सीट आई है, ये अपने आप में प्रमाण है कि गांव में आपका आधार बहुत सीमित है। तो हम क्यों डरेंगे? डर तो भाजपा रही है, और भाजपा डर रही है इसीलिए इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, और वो आरक्षण इतने नहीं दिया कि इन्होंने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। और जब हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया तो शास्त्री जी स्वयं पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, इनके ही वर्ग के आदमी को आयोग का सदस्य नहीं बनाया। 5 सदस्यीय आयोग बना जिसके अंदर 4 सदस्य आंकड़े वर्ग के हैं, 1 सदस्य पिछड़े वर्ग का है। तो शास्त्री जी हम पर आरोप लगाने से पहले इनकी पार्टी जो इनके वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है, इनके वर्ग को पंचायतों में हिस्सेदारी नहीं लेने दे रही है, उसको तो ठीक करवा ले, हम पर आरोप बाद में लगाए शास्त्री। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं विद्रोही जी की बातों से 1% भी सहमत नहीं हूँ। पहले देखो, पहले विद्रोही जी कह रहे हैं कि गाँव में तो हमारा और आपका जनाधार नहीं है। तो हमारा जनाधार नहीं है, आपका जनाधार है, और फिर आप चुनाव नहीं लड़ रहे। तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे साहब? इसीलिए डर रहे ना कि चुनाव का हमारा अधिकार, हमारा आधार नहीं है, वहां खिसक चुका। और जब आप उपचुनाव की बात करते हैं तो उपचुनाव सोच, उपचुनाव हुए यदि दोनों आप जीतते तो हम मान लेते कि भाई आपका जनाधार है, लेकिन आप एक चुनाव जीते और वही सीट पर जीते जो सीट पर आपका विधायक था। स्वाभाविक है कि वो आपके पास पहले भी थी और बाद में भी आपके ही पास है, हमने तो इतना नहीं कहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि बहानाबाजी से कांग्रेस अपने पुत्रों को के राजनीतिक इंसेंटिव देने के लिए, एक कद बढ़ाने के लिए ऐसे पब्लिक इशू को देकर वो भेज देते हैं, जिससे लोग पूछे हाँ भाई कौन है इसके पीछे, कौन है भाई इसके पीछे। वो नेगेटिव पॉजिटिव इस बात की चिंता नहीं करते, लेकिन हाँ एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने चुनाव में अड़ंगा डाल दिया, कितने ताकतवर व्यक्ति है, ये शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के नेता पुत्रों को या उनके कद को बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि 30 सितंबर तक हमने जो तारीख तय की है उसके अंदर चुनाव आएंगे, और चुनाव होते हैं तो समय पर हो जाए। लेकिन क्योंकि इसी प्रकार के कई बार जफरे जो है कोर्टों के अंदर लटका दिए गए उस कारण से डिले हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया कि हम स्पष्ट नहीं करने वाले, सरकार पुराने नियमों पर करे,
तो हम कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी की जहां तक बात है, ओबीसी आयोग को बेनिफिट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश मित्रोई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए।